हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको सन गार्नर कंपनी का 7.5 के भी MPPT सोलर PCU का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर बताऊंगा। यह जो 7.5 के भी का इन्वर्टर है, यह 120 वोल्ट और 96 वोल्ट दोनों में आता है। दोनों का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम होगा। 96 वोल्ट के साथ आप 8 बैटरी कनेक्ट करेंगे और जो 7.5 के भी 120 वोल्ट में होगा उसके साथ 10 बैटरी कनेक्ट होंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्वर्टर के टॉप कवर पे ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो इस इंस्टॉलेशन प्रोसीजर को एक बार रीड करके और इस इंस्टॉलेशन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन करने से पहले आइए हम इसके जो भी टर्मिनल हैं उसके बारे में एक बार बता देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा बैटरी का टर्मिनल है। इसके नीचे लिखा भी हुआ है ये बैटरी पॉजिटिव और बैटरी निगेटिव। ये हमारा मेंस का टर्मिनल है, यहाँ पे फेज और ये न्यूट्रल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फेज और यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है। और ये हमारा अर्थिंग का पॉइंट है, यहाँ पे अर्थिंग मेंशन है। और यहाँ पे आपका आउटपुट का लोड जो भी हमारा लोड है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। ये आउटपुट टर्मिनल फेज और न्यूट्रल। और जो ये हमारा CL है, ये क्रिटिकल लोड AC, जैसे हमारे एयर कंडीशनर हो गए, जो हाईली इंडक्टिव लोड हो गए, उसके लिए अलग से एक लोड पॉइंट इसमें दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इसमें बहुत सारे इन्वर्टर होते हैं कि वो AC को रन नहीं कर पाते हैं, और इसमें AC चलाने के लिए आपको एक अलग से पॉइंट दिया हुआ है, तो आप अपना घर का एयर कंडीशनर इस पर ऑपरेट कर सकते हैं। और ये सोलर के लिए टर्मिनल दिया गया है, यहाँ पे हमारा सोलर का पॉजिटिव और यहाँ पे सोलर का निगेटिव कनेक्ट होगा। और ये आप एक रोटरी स्विच देख रहे हैं। इन केस ऑफ इन्वर्टर फेल्योर, आप इसको मेंस पे करके और आप अपने घर के लोड को चला सकते हैं मेंस पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 3 LED दी गई है, ये इंडिकेशंस के लिए। जब भी आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ बैटरी ओके का इंडिकेशन आएगा, और यदि आपने बैटरी रिवर्स कनेक्ट कर दी तो यहाँ पे वार्निंग आएगी बैटरी रिवर्स की, और बीप का अलार्म भी आएगा। उस कंडीशन में आपको बैटरी के टर्मिनल को फिर से राइट करना पड़ेगा, यानी इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने से पहले एक बार हम इसके पैरामीटर देखते हैं। जो इन्वर्टर का रेटिंग है वो यहाँ पे मेंशन है 7.5 के भी है 120 वोल्ट DC। और यहाँ पे जो हमारा सोलर पैनल जो इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो सोलर पैनल की कैपेसिटी 7 किलोवाट, यानी बहुत अच्छी बात है। इसमें आप 7.5 के वी के सिस्टम में आप 7 किलोवाट तक का पैनल लगा सकते हैं। और जो हमारा सोलर का VOC रेंज होना चाहिए वो भी यहाँ मेंशन है, 210 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट तक। और जो हमारा मेन सप्लाई, यानी जो हमारी इनपुट सप्लाई होती है, उसका जो रेंज है वो 120 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट तक का है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमारा बैटरी ओके का इंडिकेशन ऑन हो गया है, और हमने बैटरी ये कनेक्ट कर ली है, और उसके साथ ही हमने सारे कनेक्शन कर लिए हैं मेंस के, और ये हमारा अर्थिंग का, और ये हमारा आउटपुट का, और ये हमारा AC का जो एयर कंडीशनर का है वो है। और इसके लिए हमारा न्यूट्रल कॉमन ही रहेगा, ये हमने फेज को अलग से दे रखा है एक पॉइंट AC चलाने के लिए। और ये हमारा सोलर का पॉजिटिव और ये हमारा सोलर का निगेटिव। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि हमारा बैटरी का वोल्टेज अब कितना आ रहा है। ये देखिए 126 वोल्ट आ रहा है, हमने 10 बैटरी कनेक्ट कर रखी है। अगर यह वोल्टेज या सिस्टम आपका 7.5 kVA का 96 वोल्ट में होगा तो उसके साथ आप 8 बैटरी कनेक्ट करेंगे, या सिस्टम 7.5 kVA 120 वोल्ट में है तो हमने इस पे 10 बैटरी कनेक्ट कर रखी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम
सिस्टम को ऑन करते हैं। ऑन करने सबसे पहले ऑन करते वक्त ये हमारा जो बैटरी सॉफ्ट स्विच है इसको पुश करेंगे। जैसे इसको पुश करेंगे हमारा डीसी ऑन का इंडिकेशन ऑन हो जाएगा, तब हम बैटरी एमसीबी को ऑन करेंगे। तो हमने यह प्रेस किया, हमारा डीसी ऑन का इंडिकेशन ऑन हो गया है, एलईडी ऑन हो गई है। तो अब हम बैटरी एमसीबी ऑन करेंगे और यह हमने बैटरी एमसीबी ऑन कर दी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैटरी एमसीबी ऑन करते ही अब हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया है और डिस्प्ले पे यहाँ इन्वर्टर ग्रुप हमारा शो हो रहा है। इस समय हमने स्विच ऑन नहीं किया है इन्वर्टर का, तो चलिए अब हम ऑन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे 5 कीपैड दिए गए हैं, इंटर और ये अप, ये डाउन और ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट। तो इन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए हम इंटर और अप बटन को एक साथ 2 सेकंड तक प्रेस करेंगे, हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने 2 सेकंड तक प्रेस किया और ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया और डिस्प्ले पे हमारे इन्वर्टर के पैरामीटर आने लगे। ऐसे ही इसमें बैटरी का वोल्टेज देखने के लिए आप ये राइट बटन 2 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो हमारा स्क्रीन स्क्रॉल होगा। तो चलिए देखते हैं बैटरी वोल्टेज। यहाँ पर बैटरी ग्रुप आ गया और यहाँ बैटरी की इन्फॉर्मेशन आ गई कि हमारा बैटरी वोल्टेज कितना है और जो बैटरी है हमारा कितने एम्पीयर से डिस्चार्ज हो रही है। ऐसे ही आप सारे पैरामीटर देख सकते हैं स्क्रॉल करके। जैसे ही आप राइट बटन को 2 सेकंड तक प्रेस करेंगे हमारा स्क्रीन स्क्रॉल होगा और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है इन्वर्टर की, क्या लोड चल रहा है, हमारा बैटरी वोल्टेज कितना है, हमारा मेंस का वोल्टेज कितना है। अभी हमने मेंस की एमसीबी ऑन नहीं की है, अभी मेंस 0 शो हो रहा है। और यहाँ पे जैसे ही राइट बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारा सिस्टम ग्रुप दिखाएगा, टेम्परेचर दिखाएगा और इसमें मोड कौन सा है वो दिखाएगा। इसमें बेसिकली 3 मोड है हमारा, हाइब्रिड मोड, पीसीयू मोड और नॉन मोड। यदि आप चार्जिंग डिसेबल करना चाहते हैं तो आप नॉन मोड सेट कर देंगे तो हमारा ग्रिड से चार्जिंग ऑफ हो जाएगा। इसमें बहुत ही अच्छे फीचर्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि यदि जिन जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी कम आती है वहाँ पे हाइब्रिड मोड सेट कर सकते हैं और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मोर देन 20 आवर आती है वहाँ पे आप पीसी मोड सेट करके आप अपने इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर इस समय ऑन है और इन्वर्टर ऑन की एलईडी इंडिकेट हो रही है और ये वापस जाने के लिए आप लेफ्ट से भी डिस्प्ले को स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे 2 सेकंड तक हमारा ये डिस्प्ले हमारा स्क्रॉल हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैटरी ग्रुप से हम सिस्टम ग्रुप में आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें सोलर और मेंस के एमसीबी ऑन करके अब आपको मैं सारा पैरामीटर दिखाऊंगा। तो अब मैंने सोलर और मेंस की एमसीबी ऑन कर दी है और आप यहाँ पे देख रहे हैं सोलर ऑन और मेंस ऑन का इंडिकेशन आ चुका है और हमारा जो बैटरी है अब वो 19 एम्पीयर से चार्ज हो रही है। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि जो सोलर से बैटरी चार्जिंग है वो 20 एम्पीयर दिया गया है जो बैटरी को जल्दी चार्ज कर देता है। और यहाँ आप राइट स्क्रॉल करके यहाँ पे आप मेंस का वोल्टेज दे सकते हैं, यहाँ पे 260 वोल्ट शो हो रहा है और हमारा जो इस समय सोलर का जनरेशन बहुत ही ज़्यादा है इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम कंज्यूम कर रहा है। और हम जैसे ही राइट बटन प्रेस करेंगे हमारा जो सोलर का वोल्टेज है वो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है और इस समय ये 13.4 एम्पीयर का हमारा जो है वो जनरेशन हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा इन्वर्टर अब सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो अब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम इस पे जो भी लोड है इस पे ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।